घटना जो भी हुई है ये अच्छी नहीं हुई है, बहुत घिनौनी हरकत है ये। ऐसा होने नहीं चाहिए किसी के भी साथ में, बेटी किसी की भी हो, ये तो मानव की है ना, किसी भी धर्म में की बेटी है वो, हमारी बेटी है वो, मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, यही बोलता मैं कि उसको सजा देनी चाहिए। आपकी तरफ से अपन क्या मांग करते हैं आप पुलिस प्रशासन से, किस तरह की सजा का मांग करते हैं? वही अगर गलती नहीं करी है उसने तो भगवान भोलेनाथ तो हमको विश्वास है वो बाहर आएगा, और अगर गलती करी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। चाहे बेटा किसी का भी हो, मैं भी अगर होता तो मुझे भी यही सज़ा मिलनी चाहिए। उनके पहले भी अपराध रहे हैं क्या? पहले लड़ाई झगड़े के हैं इसके, दो एक अपराध हैं इसके लड़ाई के हैं, बाकी ये ऐसे कोई अपराध हमारे समाज में किसी ने नहीं किया ऐसा, ना कभी हुआ ऐसा। आपको आपके परिवार में घटना के बाद जानकारी लगी आपको, तो आपके दिल पे क्या बीत रही है? कल से हमारा तो रो रो के परेशान हो रहा है हम तो, ना रोटी खाना ना कोई पीना, ऐसी कैसी हमारी रोटी सब्जी फेंक ही, हमने चाय पी के काम चला रहा है हमारा, अच्छे से हम कमाते थे अच्छे से हम खा रहे थे, बाकी ये ऐसा कोई बवाल आया जो हमारा सब छीन गया, हमारा सब कुछ छीन गया, कहीं के भी नहीं रहे हम तो। परिवार में सब लोगों को किस प्रकार से ऐसा लग रहा है, दुख तो होता है आखिर बेटा है? परिवार तो दूर की बात है सर, हम बाहर निकलते हैं तो हमको शर्म आती है, जवाब देंगे हम कैसे, मुंह बताएंगे। ये शादीशुदा है या शादी का कुछ है इसमें? नहीं अभी शादी की चल रही थी सर, इसके बाद मेरा लड़का एक छोटा सा शांत हो गया, उसको 8 महीने हुआ है, तभी मैं इसकी शादी कर देता दो ही की। हाँ बातचीत चल रही थी हमारी, पुलिस कब ले गई इनको? कल ले गई। तब तक अभी 2-3 रोज पहले से क्या स्थिति रही इनकी, मतलब मानसिक स्थिति कैसी बची? उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखा हमारे को, अगर कुछ भी होता तो चेहरे पे कुछ उदास आती, या समय पे रोटी नहीं खाता, या समय पे नहाता नहीं, समय पे निकलता नहीं, या ऑटो नहीं चलाता, अगर भग जाता ये तो, ये हमको पूरा विश्वास है 100% कि अगर ये अपराधी होता तो भग जाता सर ये। हाँ अपराधियों का साथ जरूर दिया होगा इसने, ये इतना मैं मानता हूँ मैं, बाकी अपराध इसने किया नहीं कुछ, और किया तो दंड मिलेगा इसको, सजा मिलनी चाहिए इसको। नहीं अगर उसने अपराधी के वास्तव में किया है और साबित अगर होता है तो उसको फांसी होनी चाहिए फिर, या कोई भी हो। आपको कैसा लगेगा अगर फांसी होती तो आपको कैसा लगेगा? अरे पर इससे तो बच जाएंगे हम, इस दाग से तो बच जाएंगे, गुनाह किया तो एक ही चक्कर रो लेंगे ना रो के हम, बार बार का तो रोना नहीं होगा, समाज में रहना है तो कैसे रहेंगे हम समाज के अंदर, क्या जवाब देंगे हम? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहू होनो है, बच्चे पोता पोती है, हम कहाँ जाएंगे हम अगर ऐसी हरकत हो जाएगी तो, अभी सरकार हमको भगाएगी तो कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे बताओ आप? सरकार अभी मकान तोड़ रहा है हमारा, तो मकान टूट जाएगा तो हम तो कहीं के नहीं रहे फिर, क्योंकि हम मरने के सिवा कुछ नहीं बचा हमारे पास में, एक तो गया ही सही, बाकी हमारा भी यही होना है फिर। अरे दुख क्यों नहीं होगा भाव जी, हमको चाटा मार दे कोई, हाथ काट दे तो इतना दुख नहीं होता जितना दुख हो रहा है हमारा, मालूम है आपको? हाँ हमारे दो हाथ भी काट देते हम सहन कर लेते, ये सहन नहीं हो रहा भाव जी, हम बता नहीं सकते आपको कि हमको कितना दुख हो रहा, बहुत दुख हो रहा भाव जी, हम किसको बताएं हमारे यहाँ दुख। अरे बाकी हरकत जो हुई है इससे बहुत गलत हरकत हुई है भाव जी, बेटी किसी की भी हो, मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, मैं भी यही बोलता, अच्छा नहीं हुआ ये। बेटी है किसी की भी है, बेटी तो है इंसान है ना वो, तो उसके साथ में किसी की बेटी के साथ में क्या कुछ भी कर लोगे क्या, तुम्हारी मन मर्जी चलेगी, कथा नहीं होना चाहिए भाव जी, किसी के भी साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, और अपराधी को तो अपराध की सजा मिलनी चाहिए, ताकि अगला ही चक्कर अगर कोई अपराध करने का सोचे तो 50 चक्कर सोचेगा वो,